यह विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर हो। मैं डॉक्टर हेमंत मोहन विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे 1 साल से 5 साल तक के होते हैं, या जो ओल्ड एज में 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग होते हैं जिनमें शुगर डायबिटीज़ के सिम्टम पाए जाते हैं, उनको निमोनिया बहुत जल्दी प्रभावित करता है। क्योंकि अभी कोविड की लहर गई है, उसके बाद डेंगू आ गया, तो वायरल निमोनाइटिस एक कॉमन सिम्टम हो गया है। एकदम से फेफड़े में जो है इन्फेक्शन होने लगता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। वायरल कॉज में पेशेंट बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है प्लेटलेट काउंट बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है। पेशेंट को बहुत तेज़ी से सर्दी देकर बुखार आता है, सीने में खड़खड़ की आवाज़ आती है। तो हम समझते हैं एकदम से जो टेम्परेचर बदल रहा है, सर्द से गर्म हो रहा है, तो एकदम से फुल कपड़े पहन के निकले, एकदम से कंबल से निकलकर खुली हवा में मच जाएं। और जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि धूप आने के बाद ही वो लोग मॉर्निंग वॉक करें, और बिना एंटीबायोटिक स्टेरॉइड बिना किसी चिकित्सीय सलाह के मत लें। और हम समझते हैं एंटीबायोटिक का इसमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। वायरल निमोनाइटिस लक्षणों के आधार पर हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती आ रही है। मैं डॉक्टर आरती पवन आरोग्य धाम से आप सबको विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर के अवसर पर ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया हो चाहे वर्ल्ड में निमोनिया के बहुत सारे पेशेंट हैं, और ये पेशेंट ज़्यादातर बच्चे हैं। 1 से 5 साल की उम्र में निमोनिया के बहुत सारे केसेस पाए जा रहे हैं, और इसमें कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। जो छोटे बच्चे हैं जिनको जिनके माता पिता को निमोनिया होता है, उसमें गर्भ के दौरान जब आप डिलीवरी होती है बच्चों की, तो उनमें चांसेस बहुत सारे हो जाते हैं। उनके लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं, लंग्स में मवाद पड़ जाता है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे में बिना चिकित्सीय सलाह के आपको बच्चों को कुछ भी नहीं देना चाहिए, और हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही आप कोई दवाई का ट्रीटमेंट करें बच्चों का। और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसमें खड़खड़ की आवाज़ आना, और बच्चों को तेज़ बुखार के साथ उनको टेम्परेचर वेरिएशन होना, तो इन सब चीज़ों के साथ ही बच्चों की बहुत सारी जाँचें कराई जाती हैं, उसके बाद ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों को निमोनिया है कि नहीं। बहुत सारे और भी वायरल फीवर भी होते हैं, उससे मिसगाइड नहीं होना चाहिए। निमोनिया जो है एक बैक्टीरियल बीमारी है, लेकिन इधर आजकल डेंगू फीवर हो चाहे कोविड हो, इसमें वायरल निमोनियाटिस के भी केसेस होते हैं, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का यूज़ ना करें, और बच्चों को सर्दी में फुल कपड़े पहना के बाहर भेजें, और टेम्परेचर वेरिएशन का ध्यान रखें। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम का सेवन ना करने दें, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ये सब ना खिलाएं, प्रचुर मात्रा में उनको फल खिलाएं, पानी पिलाएं, और रोज़ उनको व्यायाम करने की भी सलाह दें। जैसे ही आप डाइट बच्चों की रखेंगे, बच्चे वैसे ही बनेंगे। और निमोनिया जो है वो एक हवा में फैलने वाली बीमारी है, तो अपने बच्चों को पेशेंट से दूर रखें, हमेशा मास्क पहनाएं, और अपने हाथों को धोने की सलाह दें।